कल हमने आपको पढ़ाया था एटम्स और मॉलिक्यूल्स में एटम की डेफिनेशन पढ़ाई थी और एलिमेंट पढ़ाए थे, कितनी बातें पढ़ाई गई थी। अब हम आज आगे देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। एलिमेंट सभी को याद है, 1 से लेकर 20 तक कल भी लिखाए गए थे, क्या है चैप्टर का नाम क्या है, एटम्स एंड देखिए 16 सिस्टम तो सभी लोग जानते होंगे। 16 सिस्टम में सेंटर में क्या होता है, सन, और सन के चारों ओर ऑर्बिट्स होती है। बात क्लियर है, सन के चारों ओर क्या होती है, ऑर्बिट्स। उन ऑर्बिट्स में कौन रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेट्स। इतनी बात समझ में आ रही है कि सोलर सिस्टम के सेंटर में सन होता है, सन के चारों ओर ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स में कौन रिवॉल्व करता है, प्लैनेट्स। बात समझ में आ रही है। इसी तरह आप यहाँ पर मान के चलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, कैसा चार्ज मानते हैं, सेंटर में कौन होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होती है, ऑर्बिट। इस तरह से ऑर्बिट बनती जाएंगे, ठीक है, समझ आ रहे हैं आप लोग को। ये क्या है आपकी ऑर्बिट। जिस तरह से प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट के अंदर, यहाँ पर कौन रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन्स। कौन रिवॉल्व करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज क्यों लिया न्यूक्लियस को, तो अभी हम आपको समझा देते हैं। देखिए एटम को हमने जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम छोटा होता है, पर हमने आपसे ये भी कहा था कि एटम से छोटा कोई नहीं होता, एटम से भी छोटे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो एटम के अंदर पाए जाते हैं, जो एटम के अंदर, उन सभी पार्टिकल को हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उन्हें नाम है पार्टिकल्स के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात समझ में आ गई, ये सब किसके अंदर पाए जाते हैं, एटम के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें से आपके ये दोनों जो हैं पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो किसके अंदर पाए जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे। किसके अंदर पाए जाएंगे बेटा, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे। इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में घूमेंगे न्यूक्लियस के चारों, न्यूक्लियस के चारों। बात समझ में आ रही है। अब ये कैसे क्लैरिफाई हो पाए कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन, थर्ड में, फोर्थ में, इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन अन ऑर्बिट्स में चलते रहेंगे, कितने ऑर्बिट्स, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रखे जा सकते। तो इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसके लिए, 2n2। क्या होता है फॉर्मूला, 2n2। तो यहाँ पर जो n है वो है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, n क्या चीज है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। देखिए यहाँ पर n² टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, जैसे आप फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हो तो इसमें क्या करेंगे, 2 × 1² मतलब 2 आ गए, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आ जाएगा 2। सेकंड वाले में क्या होगा, यहाँ पर आपने क्या लगाया, 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8। इसी तरह थर्ड में आप लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 3 का स्क्वायर 9, 9 जा 18। तो आपने यहाँ पर एक सीक्वेंस देखा कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 18, और उसके बाद ऐसे ही सिस्टम आगे चलता रहे। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो आपने देख लिया कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2। तो हमने फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए,
बात समझ में आ रही है? शॉर्ट में चला दिए, एक इलेक्ट्रॉन सेकंड में इस तरह से इलेक्ट्रॉन लगाते जाएंगे, ठीक है? ऐसे ही तीसरे ऑर्बिटल में कितने आ जाएंगे? 18। ये सारे इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर घूम रहे हैं? न्यूक्लियस। बात क्लियर है? ये सभी चारों ओर घूम रहे हैं न्यूक्लियस के। बात क्लियर है? इसी को कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, इनको जो ये रिंग है इनको बोलते हैं ऑर्बिट। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो आपने समझ लिया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो तुम्हारा अगला चैप्टर का ही नाम होगा, चैप्टर का नाम क्या है? हाँ, चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें हम एटम के एक एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाई एटम का ये स्ट्रक्चर आया कहाँ से। हाँ, फैक्टर नोट कर लिया तुम लोगों ने? आप एडिट करने आप लोग मॉलिक्यूल पढ़ें कि मॉलिक्यूल क्या होता है। देखो मॉलिक्यूल क्या होता है, समझो। ठीक, एटम आपने देखा था कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक? एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन ये होगी कि मतलब जो एटम है, जैसे कल हमने आपको चौक वाला एग्जांपल दिया था कि बहुत सारे छोटे छोटे मतलब एटम से मिलकर एक शेप बनी थी, इसको हमने चौक नाम दिया था कि नहीं दिया था? जब आपने उसको जमीन पे मतलब घिस दिया था तो एक पावडर फॉर्म में बन गया। किस फॉर्म में बन गया था? पावडर की फॉर्म में बना था। आज समझ में आ रही है? किस फॉर्म में बना था? पावडर की फॉर्म में बना था। तो होगा क्या उसमें कि वो पावडर जो है उसमें क्या है? एटम है, एटम है कि नहीं? वो एटम आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? एक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर लिखना है तो वो एटम अपने आप उड़ जाएंगे कि उनका कोई केमिकल प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस, ठीक है? केमिकली वो एक दूसरे से बाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? बाउंड। तो इसमें लिखना होगा कि लिखिए इसमें, चलिए से ज्यादा एटम्स कंबाइंड होते हैं, कैसे? केमिकली। तो वो क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूल। बात क्लियर है? समझ में आ रही है? आप इसको नोट करें, ठीक है? नोट करने के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, ठीक? पहले इसको आप नोट करो। मॉलिक्यूल बनता कैसे ना समझ, जैसे आपने एक नाम सुना होगा वॉटर, सुना है कि नहीं सुना? फॉर्मूला बताया इसका, केमिकल फॉर्मूला सोच में रहे हो? H2O। नाम सुना है ना? पढ़ा भी होगा क्या बेटा? हाँ, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। बात समझ में आई? ठीक, आपने मतलब जब अपने घरों में पेंट होते हुए देखा है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं कलाई का। नाम सुना है? कलाई का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? फॉर्मूला क्या होगा? कैल्शियम का सिंबल सी है और ऑक्साइड के लिए हमेशा ओ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओ। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? CaO। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? अच्छा, और किस कौन कौन से तुमने केमिकल फॉर्मूला के नाम सुन रखते हैं, कुछ आइडिया है? और कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही बात। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। अब हम तीनों का एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं कि किस तरह से ये काम करते हैं। देखो बेटा, कल मैंने आपको एलिमेंट बनाए थे और मैंने आपसे ये बोला था कि इस केमिस्ट्री के अंदर जो भी हम काम करेंगे वो सब एलिमेंट के ऊपर किया जाएगा। किसके ऊपर किया जाएगा? यहाँ पर H का मतलब हाइड्रोजन, और O का मतलब ऑक्सीजन, CA का मतलब कैल्शियम, और O का मतलब ऑक्सीजन, कार्बन C मतलब सी का मतलब सी का मतलब सी का मतलब बेटा कार्बन, ठीक है? सी का मतलब कार्बन, और O का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन
सी का मतलब कार्बन और ओ का मतलब ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एलिमेंट है वो क्या हो गए कंबाइंड। कैसे हो गए कंबाइंड, यानी कि अपने आप से भी हो सकते हैं और दूसरे के साथ भी हो सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइंड हुआ, कैल्शियम किसके साथ, ये किसके साथ ऑक्सीजन। अरे तुम कहोगे सर सब ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, कोई दूसरे नहीं है, है? H2S देखो ये किसके हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइंड हुआ है, सल्फर के साथ। बात समझ में आई है किसके साथ कंबाइंड हुआ है, सल्फर के साथ। तो इसमें देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और सल्फर, ठीक। ये सारे मतलब क्या है आपके एलिमेंट अलग अलग थे वो कंबाइंड हो गए तो वो क्या बन गए कंपाउंड हो गए। क्या बन गए बेटा जी कंपाउंड। ये मॉलिक्यूल अभी है ठीक है और नहीं है, ये क्या है कंपाउंड, क्या चीज है कंपाउंड है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि यहाँ पर हुआ क्या कि एक ऑक्सीजन क्या चीज एक ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइंड हो गया हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के साथ। बात समझ आ गई, यहाँ पर एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन के साथ, एक कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो गए। बात समझ में आई कि नहीं आई, और उधर दो हाइड्रोजन एक सल्फर के साथ कंबाइंड हो गए। इस तरह वाटर का बना, इस तरह तुम ले सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई? अच्छा ठीक। एक चीज और देखो यहाँ पर आपने इस तरह से लिखा हुआ देखा है O2, यस सर, देखा है H2, यस सर, देखा है N2, नो सर, यस सर, देखा है, देखा है, यस सर, ठीक। और क्या देखा है तुमने, और कुछ देखा है M2, C2, C2 नहीं सर, M2, चलो तो C2 भी देखा। यहाँ पर देखिए O2 यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन में कितने आइटम है, नाइट्रोजन के, ओ हाइड्रोजन के कितने हैं, सॉरी नाइट्रोजन कितने हैं, दो आइटम है इसके, इधर भी है इधर भी। बात क्लियर है, एक और एक दो आइटम मिलकर क्या बना रहे हैं वन मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल सेम इसमें और सेम इसमें। तो तुम्हें मॉलिक्यूल समझ में आया कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं जब दो या दो से ज्यादा ठीक क्या कंबाइंड होते हैं एटम, तो एक मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कितने एटम है तुम कहोगे दो, यहाँ पर एटम पूछे जाए तो एटम यहाँ पे भी, पर ये मॉलिक्यूल कितने हैं मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल एक। बात समझ में आई, यहाँ पर लिख दिया जाए O3, क्या चीज है O3, किसका फॉर्मूला होता है ओजोन का, नाम सुना है तुमने, तो ये ओजोन का एक मॉलिक्यूल है। बात समझ आ रही है, ओजोन में कितने मॉलिक्यूल है एक मॉलिक्यूल। बात क्लियर है बेटा, यहाँ पर जो थ्री और यहाँ पर जो टू लगे हुए हैं इन सभी को हम कहते हैं एटोमिसिटी, क्या कहते हैं यहाँ पर हेडिंग डाल दोगे एटोमिसिटी क्या होती है, ठीक है इसे क्या कहते हैं ठीक। अब इसके बारे में लिखेंगे क्या होता है, देखिए ओजोन पर एक मॉलिक्यूल बनाने में कितने एटम लगते हैं, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाने में कितने एटम लगते हैं, हाइड्रोजन के में भी दो लगे और नाइट्रोजन के में भी दो लगते हैं। तो जिस मतलब कंपाउंड को सॉरी जिस एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल बनाने में कितने मॉलिक्यूल बनाने में एक मॉलिक्यूल जितने एटम का यूज होता है उसे एटोमिसिटी कहते हैं। तो एटोमिसिटी इज द नंबर इस तरह से द नंबर ऑफ एटम्स यूज इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि किसी भी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल को फॉर्म करने में बनाने में जितने भी एटम का इस्तेमाल किया जाता है उसे एटोमिसिटी कहते हैं। बात क्लियर है, बताइए बेटा बात समझ में आएगी नहीं आएगी, एक चीज को आप नोट कर लीजिए द नंबर ऑफ एटम यूज इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम। अब यहाँ पर बेटा हम देखेंगे जैसे आपने देखा कि एस एट, एस का मतलब एस किसका सिंबल है
सल्फर। एस कितना एनिमल है? सल्फर। तो यहाँ पर सल्फर के एक मॉलिक्यूल को बनाने में कितने एटम लग रहे हैं? एट। तो सल्फर का मतलब जो एटमिसिटी हो गया कितना हो गया? एट। बात क्लियर है? तो जो नंबर है वो क्या बता रहा है आपको? एटमिसिटी। क्या बता रहा है आपको? एटमिसिटी। तो हमने मॉलिक्यूल देख लिया, एटमिसिटी देख ली, इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? अब हम इसमें क्या देखेंगे? कंपाउंड। क्या देखेंगे? कंपाउंड। समझ में आएगा? चैप्टर टू जो आपका जो दे रखा है उसमें भी आपको एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप एक बार कंपाउंड समझ लोगे तो आप भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कंपाउंड क्या होता है। देखो इसमें कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड का मतलब जैसे आपका वाटर है, वाटर एक कंपाउंड है, मिक्सचर ऑफ टू और फोर एलिमेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बात क्लियर है? जब हमने यहाँ पर मॉलिक्यूल बनाए थे तो उन सभी में सेम तरह के एलिमेंट एटम का यूज किया गया था, सेम एटम का यूज किया गया था। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए ऑक्सीजन के ही दो एटम दिए गए, हाइड्रोजन बनाने के लिए हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हाइड्रोजन के ही दो एटम लिए गए। बात क्लियर है? समझ में आ रही है? अब यहाँ कंपाउंड बनाने के लिए ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि उसी एलिमेंट के ही एटम को लिया जाए। तो कंपाउंड ये होता है, कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, टू और मोर एलिमेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास, इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। इस चीज को नोट कर लीजिए, कंपाउंड्स आर द मिक्सचर ऑफ, कंपाउंड्स आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, टू और मोर एलिमेंट्स इन ए फिक्स रेशियो बाय मास, इन ए फिक्स रेशियो बाय मास। ठीक, बात समझ में आएगा? नोट हो गया आपको? तो आपने इतनी चीजें आपने देख ली, मॉलिक्यूल, एटमिसिटी और कंपाउंड।